अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एडोब फोटोशॉप। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार से स्टार लेंगे। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट खोलना बताऊंगी, साइजेस बताऊंगी किस साइज़ का डॉक्यूमेंट खोलना है, क्योंकि जब हमें पता होगा कौन से साइज़ पे काम करना है उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग पहले फोटोशॉप खोलते हैं। मेरे पास एडोब फोटोशॉप CC 2018 पड़ा हुआ है। इसे खोलते ही तो सबसे पहले आपके पास कुछ ऑप्शंस सामने रखेगा, आपने उसमें से सेलेक्ट करना तो कीजिए, ज़रूर कीजिए। या एक और, अगर आप किसी को साइज ऊपर करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एन, या तो कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की प्रेस करें या फाइल में जाके ऊपर न्यू की ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें। हर किसी के सामने उसकी की लिखी हुई है, की याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। हम न्यू पे जा रहे हैं तो उसने हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल दिया। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस शो हो रहे हैं। एक कस्टम साइज है, कस्टम का मतलब क्या होता है, हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ किसी तरह की भी उसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं। A4 साइज, लीगल साइज, जितने भी यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, और इस नाम के नीचे उन्होंने पिक्सल्स भी दिए हैं 626x626। राइट साइड पे आपके पास ऑप्शंस आ रही है कि आपने अपनी मदद से अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करना है तो कीजिए। अगर आपको यही साइज चाहिए तो आप बस यहाँ से क्रिएट करें और आपके पास वही पेज उसी साइज का ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास खुल गया पेज। पेज कैसे खोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हुआ कि हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप में एंटर कैसे होना है। इसके बाद मैंने आपको भी लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे ऊपर हमारे पास फर्स्ट रो होती है मेन्यू रो, यहाँ पे सारे मेन्यू बटन्स आ रहे हैं। सेकंड रो में सारी वो ऑप्शंस आएंगी जिसके टूल सेलेक्ट होंगे आपके पास। राइट साइड पे आपके पास लेयर्स आ रही हैं, यहाँ पे इस साइड पे सेंटर में आप जो भी काम करेंगे उसकी लेयर राइट साइड पे बनती जाएगी। एक तरह से ये समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास लेयर और उसका जो प्रीव्यू है, उसका जो हम काम करेंगे, जो भी काम करेंगे उसका प्रीव्यू इस साइड पे सेंटर में पेज पे नज़र आएगा। अब चलिए, कोई अब ये हो गया कि इमेज कोई भी पेज कैसे खोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई अपनी मर्जी की इमेज इंपोर्ट करनी है, कोई अपनी इमेज इंपोर्ट करनी है, कोई बैकग्राउंड, कोई भी सीनरी इंपोर्ट करनी है, वो कैसे करते हैं वो देखिए। इसकी भी शॉर्ट की भी है, और यहाँ पे फाइल में जाके अगर आप ओपन करेंगे, ओपन पे जाएंगे तो वो आपके आपको ब्राउज़र खोल देगा, आप ब्राउज कर देगा, कोई भी फाइल खोल देगा, डाउनलोड्स में जाएगा, डेस्कटॉप पे जाएगा, वो पूछेगा आपने इमेज कहाँ से उठानी है। तो इसकी शॉर्ट की कंट्रोल ओ, आप इसे कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट फाइल में जाके ओपन कर दीजिए। ये देखिए, उसने मेरे पास फाइल खोल दी है कि मुझे इमेज कहाँ से उठानी है। मैं ये इमेज उठा लेती हूँ, बस एक दफा क्लिक करो और यहाँ पे ओपन। यही इमेज मेरे पास नेक्स्ट अलहदा से अलहदा टैब में ओपन हुई है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास नाम आ रहे हैं, ये इमेज का नाम ये था, इसके सामने RGB लिखा हुआ है, मतलब इसके कलर RGB है। इसके जितने भी कलर्स हैं वो सब RGB कलर्स हैं। अब मैं प्रीवियस पे जाऊँगी तो प्रीवियस वही पेज है जो मैंने पहले खोला था। इसी तरह आप जब पेजेस ओपन करते जाएंगे वो अलग अलग टैब्स में खुलते जाएंगे। ये हमने इमेज ओपन की है। अब एक और चीज़, एडोब फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट कलर RGB होता है, RGB के अलावा कोई नहीं होता। आगे जाके अगर आप एक इमेज खोल चुके हैं, खोलने के बाद आपने RGB कलर को किसी और मोड में चेंज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है वो देखिए, मेरे पास इमेज खुल चुकी है। सबसे पहले आप ये फोकस करें कि इसके ऊपर आ रहा है RGB/8, मतलब इसका कलर RGB है। अब मैं जैसे चेंज करूँगी इसका कलर, यहाँ से इसका मोड चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, सबसे पहले इमेज में जाते जो पहली ऑप्शन है मोड, मोड की ऑप्शन में आपके पास ये आ रही है, इंडेक्स कलर पे जाना है, RGB जाना है, CMYK जाना है, ग्रे स्केल जाना है, ये ऑप्शन है। और RGB से अगर मैं CMYK में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो मैंने जस्ट ये प्रेस कर देना है। अब ये पूछ रहा है यू आर अबाउट टू कन्वर्ट टू CMYK,
वो हमसे कंफर्म करें आप करना चाह रहे हैं, तो यस ओके। और ये देखिए ये ऊपर से कलर चेंज हो गया CMYK, पहले RGB था और अभी CMYK, लेकिन आप लोगों को इस इमेज पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इमेज पे फ़र्क कभी भी इस तरह वेक्टर फॉर्म में, इस तरह डिजिटल फॉर्म में नज़र नहीं आता। जब भी हम लोग प्रिंट निकालेंगे कि अपना काम करने के बाद उसको प्रिंट करेंगे, वो तब वहाँ पे शो करेगा कि आपको आपके लिए बेस्ट कौन सा है, RGB या CMYK। अब एक और चीज़ बताती हूँ, अगर मुझे इमेज का कलर चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूँगी। हमारे पास इस इमेज में थोड़ा सा लाइट सा फेस आ रहा है और थोड़ा येलोइश ऑरेंज गोल्डन कलर सा आ रहा है। मैं इसको टोटल ब्लू में करना चाह रही हूँ। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम दोनों कलर्स चेंज कर सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन से या फोटो फिल्टर से हम इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी अब नेक्स्ट लेक्चर में कि हम ह्यू सैचुरेशन से और फोटो फिल्टर से कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। मैं एक प्रॉपर सीनरी लूंगी, सीनरी लेने के बाद कोई भी बैकग्राउंड इमेज, कोई भी माउंटेन्स इमेज, फ्लावर इमेज, जहाँ आपको क्लियरली कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा, उस पर कलर चेंज करके देखेंगे ये कैसे होता है। ये दोनों यूज़ करेंगे, ह्यू सैचुरेशन और फोटो फिल्टर। अब नेक्स्ट हम इस इमेज पर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर एक सीनरी इमेज लेंगे उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। फोटोशॉप बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, कुछ भी इस पर किया जा सकता है, किसी तरह की भी एडिटिंग की जा सकती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।